फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। और मेरा नाम है अंजलि। तो मैं फ्रेंड्स आज आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो खीर के लिए मैं यहाँ पर दूध जो ले रही हूँ वो 1 लीटर दूध ले रही हूँ। फुल क्रीम दूध है ये, और 1 लीटर दूध लिया है मैंने यहाँ। और आज हम खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये जो खीर है वो काफ़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनने वाली है फ्रेंड्स। और खीर गर्म भी अच्छी लगती है, और इसे आप ठंडा भी करके खा सकते हैं, तो दोनों ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो चावल लिया है ये मैंने 100 ग्राम चावल लिया है, और चावल जो है बासमती चावल, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने पानी से वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। चावल को भिगो के रखने के बाद, वॉश करने के बाद, अब यहाँ पे जो दूध है उसका उबाला आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो साथ साथ जो मलाई है वो आप मिक्स करते जाएं दूध में, और साथ ही साथ हम इसमें चावल भी ऐड कर रहे हैं, भीगे हुए चावल जो हमने धोए थे, भिगो के रखे थे, उसको अच्छे से वॉश करके हम इसमें दूध में ऐड कर रहे हैं। और ये लगभग 100 ग्राम चावल है, और आप ये जो चावल हैं आप दूध का एक उबाल आने के बाद चावल ऐड करें, कम से कम एक उबाल आना चाहिए दूध का, उसके बाद आप ऐड करें चावल। और यहाँ पे हम कुछ केसर के लच्छे जो हैं सैफ्रॉन्स के, वो हम ऐड कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। इससे खीर का कलर बहुत अच्छा आया है। और जब भी आप खीर बनाएं तो जितना दूध हो उसका 1/10 भाग चावल लेना है हमें, और जितना आपको मीठा पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग शुगर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम मीठा डालें। और इस तरीके से हम चावल और खीर, जो दूध है उसको अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स साथ ही साथ हम चिरौंजी भी ऐड कर रहे हैं। चिरौंजी और केसर हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इस तरीके से आप खीर को चावल के साथ पकाएं, और जो ढक्कन है, जो लीड है, आप चिरौंजी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये लगभग आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ 25 ग्राम ऐड किया है खीर के अंदर। और ये जो प्लेट से आप ढकेंगी तो आप थोड़ा सा ढकें और आधा थोड़ा सा ओपन रहने दें, ताकि ये देखिए इस तरीके से क्या होगा, दूध जो है ऊपर तक नहीं आएगा उबल उबल के। और यहाँ पे हम किशमिश ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स खीर में डालना अच्छा टेस्ट आता है इससे, और काफ़ी हेल्दी भी बनती है, और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी है ड्राई फ्रूट्स के। तो इस तरह दूध और चावल को अच्छे से पका लेंगे, और चीनी हम लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे चावल जो है बिल्कुल पक जाने चाहिए। यहाँ पे हम नारियल ऐड कर रहे हैं, यानी कि कोकोनट, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शुगर ऐड की है, और बादाम आलमंड ऐड किया है। और यहाँ पे जो चावल है दूध के साथ बिल्कुल पक जाना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए खीर, तब उसके बाद आप चीनी ऐड करें लास्ट में जब चावल पक जाएँ। हमारी खीर जो है उबल के तैयार हो चुकी है, जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आप खीर मसाला डालना चाहते हैं तो जिस टाइम आप शुगर ऐड करते हैं उसी टाइम आप खीर मसाला भी ऐड कर लें, और उस समय आप शुगर और खीर मसाले को साथ ही साथ पकाएं, और शुगर जब डालें जब चावल पक चुके हों। और अब देखिए अब हमारी खीर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है केसर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हमारा केसर से, और काफ़ी अच्छी हमारी खीर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आलमंड से डेकोरेट किया है। क्या आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।